बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल के पंचायत इंतखाब के नतीजे सामने आने के बाद से ही मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी की हुकूमत घबराई हुई है और इसीलिए वो बीजेपी की यात्रा को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के मुख्तलिफ मकामात पर माफिया सरगर्म है और तृणमूल के वजीर उसकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि तयशुदा प्रोग्राम के तहत बीजेपी की यात्रा होगी और अमित शाह खुद उस यात्रा में शामिल होकर गांव गांव और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, वो घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी से घबराहट है, इसीलिए यात्रा को उन्होंने रोकने का काम किया है, यात्रा को परमिशन नहीं देने का काम किया है। जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, शिक्षा, सैंड, कोयला, केटल, इस सब जगह पे माफिया काम कर रहे हैं, बंदर पर भी, पोर्ट पर भी माफिया काम कर रहे हैं और तृणमूल के मंत्री इसको पनाह देने का काम कर रहे हैं। ये तीनों यात्रा निश्चित होगी, ममता बनर्जी को जितना जोर लगाना है उतना लगा दें, तीनों यात्रा निश्चित होगी। मैं ही जाऊंगा यात्रा शुरू करने और बंगाल के गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गैर लोकतांत्रिक तरीके के ईंट की ईंट बजा देगा। हम इसको सरेंडर नहीं करेंगे, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के घर घर जाकर किस प्रकार से बंगाल को एक निश्चित विचारधारा के लिए दबाया जा रहा है वो दिखाने का प्रयास कराएंगे।